नेटफ्लिक्स पर आने वाले अनिल कपूर की नई फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म एके वर्सेस एके में अनिल कपूर के रूप में वायुसेना अधिकारी को जिस तरह दर्शाया गया है उस पर एयरफोर्स की तरफ से एतराज जताया गया। वायुसेना ने कहा कि फिल्म से इस तरह का सीन फौरन हटाया जाए। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है एके वर्सेस एके। हाल ही में इसका ट्रेलर जारी किया गया था जिसमें अनिल कपूर एक वायुसेना अधिकारी की वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं। सीन में अनिल कपूर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वायुसेना ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा है कि इस वीडियो में वायुसेना की वर्दी का गलत इस्तेमाल किया गया और भाषा भी सही नहीं है। ये देश के लिए वर्दी पहने जाने वाले जवानों का सही परिदृश्य नहीं है। ऐसे में इस सीन को फौरन हटाया जाना चाहिए। एयरफोर्स के एतराज को देखते हुए अभिनेता अनिल कपूर खुद सामने आए और उन्होंने इस पर माफी भी मांगी। It has come to my attention that the trailer of my new film, AK versus AK, has offended some people. As I'm wearing the Indian Air Force uniform while using unparliamentary language. I would like to sincerely offer my humble apologies for unintentionally hurting anyone's sentiments. I just like to supply some context to hopefully help you understand how things came to be this way. My character in the film is in uniform because he's an actor playing the role of an officer. When he finds out that his daughter has been kidnapped, the anger and rage he experiences and portrays is that of an emotionally distraught father. It was only in the interest of remaining true to the story that my character is still wearing the uniform on his quest to find his missing daughter. It was never my intent or the intent of the filmmakers to disrespect the Indian Air Force. I've always had the utmost respect and gratitude for the selfless service of all our defense personnel. And so, I truly apologize for unintentionally hurting anyone's sentiments. इससे पहले वायुसेना ने जानवी कपूर के लीड रोल वाली फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल पर भी आपत्ति जताई थी क्योंकि फिल्म में पुरुष वायुसेना अधिकारियों को गलत तरीके से दिखाया गया था। बीते दिनों एकता कपूर निर्मित एक वेब सीरीज में भी सेना की वर्दी पहने कैरेक्टर के साथ कुछ गलत दिखाया गया था जिस पर विवाद काफी हुआ। नेटफ्लिक्स पर आने वाली अनिल कपूर के इस फिल्म को विक्रमादित्य मोटवानी ने डायरेक्ट किया है और ये 24 दिसंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।